अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। बात है 23 जून 2018 की। अम्मा ने जब बबली मेरी गुड़िया को लिया, मतलब 2018 में अम्मा उसको लेकर आया अपने पुराने वाले घर पे। यकीनन बकरीद के दिन थे और इसके बराबर में ही आपको अम्मा की कुर्बानी की बछड़ी दिख रही है। तो दोस्तों जब अम्मा उसको घर पर लेकर आया तो फैमिली में इस तरीके से एक खुशी का मुकाम था कि सबने कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत की बबली से और इसका नाम प्यार से रखा बबली मेरी गुड़िया। यकीनन ये बकरीद जब ख़त्म हुई तो अमान ने घर चेंज करने का प्लान्स बने और अमान लोगों ने अपना घर चेंज किया। वो घर चेंज करने वाली कहानी भी मैं आपको इंटरव्यू बताऊंगा। खैर अमान ने जब घर चेंज किया तो अपने नए घर में बबली को लेकर आया और बबली के लिए एक खूबसूरत सेटअप भी बनाया और वक्त बा वक्त उसके सेटअप में इनोवेशन भी करता रहा और नई से नई चीज़ें भी जमा करना शुरू कर दी। मतलब अमान बबली के साथ साथ ही बकरों के शौक पे भी, और अमान ने इसके साथ एक और बछड़ी भी पालना शुरू कर दी थी। वो तो खैर इस साल लोग में आपको एंड में शायद दिखे। ये बात तकरीबन 2019 की, जब अमान ने घर चेंज किया और अमान ने बबली का बेहतरीन सेटअप बनाया और हमने उस टाइम पे इसका पहला आर्टलॉग बनाया बबली मेरी गुड़िया। और इसी के बाद अमान का नया सफ़र शुरू हुआ बबली मेरी गुड़िया के साथ अपने नए घर में। अमान और उसकी पूरी फैमिली के साथ इनकी पूरी सोसाइटी में बबली फेमस हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि बबली को अमान डेली आउटिंग कराने बाहर लेके आता था और बबली को देख के लोग इसकी मोहब्बत देख के ज़्यादा अट्रैक्ट थे। यह अमान का ड्राइवर है जो खुद डेली बबली की इतनी केयर करता था कि सुबह का वंडा अमान का ड्राइवर करता था और रात का अमान खुद। इन सब की मोहब्बत को देखते हुए मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार कैसे कुर्बान किया होगा, और यकीनन जब बबली की कुर्बानी हुई होगी तो क्या गुजरी होगी। खैर अल्लाह पाक मेरे भाई की कुर्बानी कबूलता फरमाए और इन सब की शौक में इतनी बरकता फरमाए, क्योंकि असल फरीज़ा कुर्बानी मेरे दोस्त ने अदा किया। खैर भाई ये बात है रमज़ानों की। रमज़ानों में मैं गया अमान के घर पर तो अमान भाई अपनी बबली को नहला रहे थे बड़े मज़े से। मैंने बोला अमान क्यों ना हम अभी से बबली का आर्टलॉग शूट कर लें। अमान ने बोला रिजी ऑन है, कर लेते। और फिर मैंने राव को कॉल किया और कहा कि राव यार आज रात में बबली का शूट करेंगे अमान के घर पर, इससे पहले जब तक मैं कुछ सिनेमैटिक बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा अमान को बोला यार इसको बिना मोरे के बाहर छोड़ो। तो बस फिर हमने बबली को छोड़ा बाहर और मैंने लगाया गिम्बल पर मोबाइल। इतने में बबली, आपको पता है जानवर अपनी जगह से वाकिफ़ हो जाता है, तो अमान बिल्कुल चिल था। बबली जैसे ही मिट्टी की तरफ जाने लगी तो अमान ने अपने मोहल्ले के बच्चे को कहा कि लड़के इसको रोको वरना गंदी हो जाएगी। बस बबली वहाँ से देखते हुए हुई गोली। और मैंने बोला यार ये क्या सी, तो मैं भागा बाइक की तरफ कि यार बाइक स्टार्ट करके बबली के पीछे निकले। अमान ने मुझे बोला रिजी कहाँ जा रहा है। बोला भाई चिल कर यहीं ना, खुद ही आ जाएगी। मैंने बोला अमान यार आगे मेन रोड है, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो। अमान ने बोला भाई आप वेट करो बबली खुद आ जाएगी। और यकीन करें कि बबली 5 से 8 मिनट बाद पूरा मेन रोड घूम के खुद वापस आ गई। तो ये एक चीज़ मेरे लिए शॉकिंग थी यार कि जानवर अपनी जगह से अपने बंदों से इतना मुखलिस भी हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यकीन करें बिना मोरे के जानवर को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। और बबली आज तक 4 साल का सफ़र स्पेंड कर चुकी थी। खैर रात हुई और रात को मैं राव को लेकर आया फिर शूट करने का अपने प्लान किया था। और ये अमान की इनोवेशन है नए सेटअप की, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सेटअप अमान अपने घर में बना चुका था। खैर दोस्तों राव ने जब बबली को देखा पूरे साल के बाद तो राव मैंने बोला रिजी हाय हाय मज़ा आ गया। इस लड़की के शौक़ को देख के अब इतना इंस्पायर, तो यकीनन हमें पता है कि ये आर्टलॉग एक ऐसा मैसेज है जो हम जैसे शौकीनों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और असल शौक़ असल फरीज़ा कुर्बानी भी यही है। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी हिम्मत की बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कहते हैं कि जानवर को पालना मुश्किल है, जानवर के साथ मुखलिस होना मुश्किल है। अमान ने 4 साल का एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में बबली के साथ और उसको इतनी नॉलेज हो गई है कि क्या पता इंशाल्लाह वो फ्यूचर में एक फार्म खोले शौकीनों के लिए, एक सेटअप जहाँ पे वो कुर्बानी वालों का माल पाले। क्योंकि अमान के पास ऐसी काफ़ी ऑफर्स आने लगी कि यार मेरा जानवर भी अपने घर पे पाल लो। और अमान माशाल्लाह हम जैसे शौकीनों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि अमान ने वो मिसाल कायम की। अमान जब बबली को लेकर आया तो यकीनन 2018 में ना खुद की इतनी एज थी और ना खुद इतनी नॉलेज, और बंदे ने वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को सीखा और समझा। और सबसे बड़ी चीज़ अमान की फैमिली ने इसको बेइंतहा सपोर्ट भी किया। तो ये सब चीज़ों से मिलकर माशाल्लाह आज आपके सामने बबली का रिज़ल्ट है कि अमान ने बबली कैसी ली थी और आज माशाल्लाह कैसी हो गई है। तो इतना तो मुझे ही पता है कि लड़के अमान अच्छे जानवर पाल सकता है अब, क्योंकि अमान ने एक अच्छी नॉलेज गैदर की है बबली के साथ एक्सपीरियंस करके। खैर हम बबली का शूट कर रहे थे बाहर तो बबली बार बार भाग के अपनी जगह पे वापस जा रही थी। अब मैंने अमान को बोला इसका शूट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगह छोटी है। अमान ने बबली के मोरा माना और कहा कि भाई रिजवी चलो अब इसको बाहर लेकर चलते हैं। मगर बबली मुझे राव को और मेरी टीम को देख के पता नहीं क्या सोच रही थी कि वो जगह से हिल ही नहीं रही। खैर एंड में अमान ने अपनी सिस्टर को बुलाया क्योंकि वो कहते हैं ना जिनके साथ बबली अटैच थी सिर्फ उन्हीं की सुनती, और उसके कहने बबली फ़ौरन मूव ऑन हुई और बाहर की तरफ निकलना शुरू हुई।
ओके, हम जब से कोशिश कर करके थक गए थे भाई, बबली जगह से हिल नहीं रही थी। तो ये होती है मोहब्बत। हर शौके की तरह अमान की फैमिली का भी इंटरव्यू लेना था, तो अमान के अब्बू का वेट कर रहे थे हम लोग कि अमान के अब्बू जब तक नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे, हम बाहर थोड़ा शूट करते। तो लड़कों, बबली का वजूद माशाल्लाह बनाओ आपके सामने, अल्लाह पाक अमानी कुर्बानी कबूल तो फरमा, उसको तौफीक दे के वो हर साल बबली जैसी तयाब चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान कर सके, और सबसे बढ़कर अमान और अमान की फैमिली को हिम्मत दे के वो इतनी मोहब्बत के साथ हमेशा जानवर पाल सके और उसको कुर्बान कर सके। दोस्तों, ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। उस जानवर को पालना जो एक आप पे घर के अफराद की तरह हो, उस पर छुरी किस तरीके से फेरी जाएगी, ये अमल बहुत मुश्किल है। और अल्लाह पाक अमानी कुर्बानी को कबूल फरमाए। खैर, मैं और राव ने भी बबली के साथ अपना शौक़ पूरा किया और इस नीयत के साथ दुआ की कि अल्लाह हम सबको इस काबिल तक फरमाए कि हम ऐसा शौक़ कर सकें। खैर दोस्तों, इसी के साथ मैंने अमान की फैमिली को बुलाया और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी फैमिली की मोहब्बत है, मतलब लेवल है यार, कसम से दिल खुश हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि काश मेरी फैमिली में भी इस तरीके से शौक़ हो और मैं इस काबिल हो सकूँ कि अपने घर में एक ऐसा सेटअप बनाऊँ जैसे अमान ने बनाया। अगर आप जैसे काफ़ी शौकीन अमान जैसे मौजूद होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे सेटअप बनाए हुए, तो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे मैसेजेस ढूंढकर शौकीनों को डाइवर्ट कर सकूँ और असल चीज़ की तरफ, असल फरीज़ा कुर्बानी की तरफ मेरा मकसद पूरा हो सके। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कुर्बानी के जानवरों से ही मोहब्बत करें, इंसान को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनकी फैमिली को जोड़ के रखें। और अमान के साथ भी बबली ने इसी चीज़ का हक अदा किया कि पूरी फैमिली एक के साथ मुखलिस थी। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्लाह का ये बताएं कि शौक करने की इजाजत कैसे देगी सबसे पहले बच्चों को? बस इनको शौक है, इत्तेफाक शौक हम सबको ही है, पूरे घर को ही है ना, पूरे घर का। वही तो आ नहीं रही थी तो कोई यहाँ पे शिफ्ट होने को तैयार नहीं था कि पहले इसको लेकर आएंगे तो लोग शिफ्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। देखे ना, आपके लोन की जगह पे पूरा ये बनाना पड़ गया सिर्फ इसके लिए। देखे तो हिम्मत करेंगे, और कुछ भी नहीं, जब से बड़ी हिम्मत है और कुछ भी नहीं है। तो सारी बातें करना, लेकिन इसको करना भी जो है ना बड़ा एक हिम्मत वाला काम है, और कुछ भी नहीं है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इस दौर हिम्मत। लोग बाकायदा पूछने के लिए आते हुए कि बबली है कौन, अमान साहब ने इसको इतना जो है ना वो मशहूर कर दिया और कुछ भी नहीं। सबको क्या पाली हुई है, कोई देखना है, बहुत दोस्त आता है आपकी स्टोरी से, मगर इत्तेफाक से कोई भी दोस्त को ना इतना शौक नहीं है। अच्छा, सब बकरा ईद वाले, ये भी है, वैसे हम लोग की तरह बहुत कम ही होते हैं लोग। अच्छा ये बताओ कि जब कुर्बानी का टाइम आएगा तो कौन होने वाला है, कौन कोई है इस घर में जो सभी रोएगा, पूरा घर रोएगा। मैक्स 3 इयर्स हो चुके हैं इसको, तो घर वालों के साथ साथ जो हमारा ड्राइवर है वो भी ये बोल रहा है कि ईद के दिन मैं नहीं आऊंगा अगर इसको कुर्बान करोगे तो। जैसे अंकल ने बताया कि आप लोग शिफ्ट छोड़ दे, अंकल ने कहा कि भाई आपने कहा पहले बबली आएगी फिर हम लोग शिफ्ट होंगे, तो इसकी क्या कहानी थी, ये स्टोरी क्या थी? हमारा घर बन गया था पूरा, मगर इसकी ये जगह नहीं बनी थी, जगह नहीं बनी थी, जगह थी पूरा शेड वेडी कुछ। तो आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा कि ये पहले लकड़ी का बना हुआ था, तो वो बना हुआ नहीं था उस वक्त, तो हमने बोला जब तक वो नहीं बनेगा, बबली इधर नहीं आएगी, तब तक हम भी नहीं आएंगे। मैसेज यही है कि शौक छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शौक शौक होता है। आप बेशक बड़ा जानवर नहीं पाल सकते तो बेशक एक बकरा पालो,
शुरू तो करो इंशाल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत देगा। आप भी माशाल्लाह, जो मैं ऐसी बिफोर की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कितनी आपने किसने टाइम ली थी हमारी बछड़ी? मैंने 23 जून 2018 के अंदर ली थी, मतलब 3 साल कम्प्लीट होने वाले थे। अच्छा, आप लोग और कुछ हमारे बारे में कहना चाहेंगे? पिछली वीडियो के बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों ने? पूछा था, पहचान तो नहीं लिखे वही बबली का घर है? ऐसा हुआ कुछ? काफी लोग आए थे घर पे देखने, मतलब लोग आगे पूछते थे कि बबली का घर यही है, उसको दिखा दें कि वो कहाँ है, बबली है कौन, मतलब बहुत लोग आगे पूछते थे। माशाल्लाह भाई, शौक में बरकत रहे। और हमारे चैनल वालों के लिए सिर्फ एक बोल दे, सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले भाई, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़।